हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, आज मैं सच्चाई की जीत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 साल पहले इसी सब्जेक्ट पे एक फिल्म आई थी, सत्यमेव जयते, और बड़ी कमाल की फिल्म थी। लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस फिल्म को, और अब उसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है, सत्यमेव जयते 2। फिल्म रिलीज हो चुकी है, बड़ी कमाल की फिल्म है। तो चलिए, हमारे आज के मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर जॉन अब्राहम एंड दिव्या खोसला कुमार। अखरोट सुबह से तोड़ रही थी अर्चना जी, एक इनको तोड़ के दे दो। वाकई ये लो आप, आपके अखरोट कैच। देखा, खाने पीने वाली चीजें, दोबारा एक और लो। तेरी थ्रो बहुत खराब है। आपकी नियत खराब थी एक्चुअली। एक बार जोरदार तालियां जॉन और दिव्या के लिए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जॉन भाई, हमेशा की तरह कमाल के फिट लग रहे हैं आप, और भी ज्यादा फिट लग रहे हैं। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। इस बार तो आप भी हाथापाई कर रही हैं फिल्म में। जी जी। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हम ना इतना, मतलब इतनी स्वीट है दिव्या जी। हाँ, बंदे पीट रही हैं आप, इसलिए आप कुछ उल्टे क्वेश्चंस मत करना आज। तो इसी आपकी बात के ऊपर मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इस फिल्म में जॉन ने 3 रोल किए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इन्होंने 3 रोल करके तिगुना पैसा ले लिया और फिर आपको लगा हो कि ओफो बजट बढ़ गया, अब तो मुझे हीरोइन आना पड़ेगा, ऐसा कोई प्लान तो नहीं था आपका? क्या यार, क्या आई थिंक मिलाप का विजन था कि उन्होंने जॉन को जो कास्ट किया, आई वॉज ऑल्सो सो इम्प्रेस जॉन की डेडिकेशन से, बिकॉज इन्होंने इतने अमेजिंग वे से 3 रोल्स किए और इतने अलग हैं 3 रोल्स में, और मेरा सौभाग्य कि मुझे जॉन के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत मजा आया, एंड नाउ वी आर जस्ट लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। अब दर्शकों को भी बहुत मजा आने वाला है। मैंने एक चीज देखी अर्चना जी, जब कोई एक्टर जब फिल्म करनी होती है उनको, तो 1.5-2 महीने पहले थोड़ी डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जॉन ऐसे वाहिद इंसान है, ये 24/7 हमेशा 6-pack, 8-packs, मतलब थाईलैंड में जैसे वो शॉप्स नहीं होती सारी रात खुली रहती, कभी भी अवेलेबल बियर ले लो आप, ये वैसे बॉडी बिल्डर है, मतलब 24/7। सर, क्या राज है इसका? आपने घर में जिम बना रखा है कि जिम में घर बना रखा है? जी, घर में जिम है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं हमेशा अक्सर हमारे इंडस्ट्री में भी नहीं लेकिन बाहर भी, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो मैं हूँ। और वो हमेशा ऐसे 24/7 होना चाहिए, अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए आपको। जी। और कोई भी यहाँ अपने ऑडियंस में, अर्चना एनीबडी, कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है कम्प्लीटली। मुझे मतलब, बहुत जरूरत है, टेल मी, आओ यार जॉन। इट्स इजी आपको, मतलब उसके बाद यू वोंट इवन रिक्वायर मैप ऐप बिकॉज़ यू विल हैव इट ऑल योर। दैट्स अ गुड वन। तो इसलिए कहते हैं कि घर में किचन छोटा करो, जिम बड़ा करो आप। तो जिनके घर में किचन होते हैं उनके पेट बढ़ते रहते हैं, इनके घर में जिम, इनके डॉले बढ़ रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये रात को जब बाथरूम करने जाते हैं ना, जाते जाते 2 सेट डंबल के मार लेते हैं और वापस लेटने से पहले फिर 1 chest press मार के फिर सोते हैं। और अच्छा, ये मजेदार बात एक और है कि लोग बोलते हैं ना भाई कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो,
तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है. ये आपके सामने जीती जाती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है. तो भाई ये अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं. नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है. तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए. हाँ. क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है, लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेड़ से. राइट. तो आप वो मिडिल मैन है, उसको हटा दीजिए और आप सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जैसे हाथी है, घोड़ा है, सारे वो तो घास पूसे खाते हैं यार, वो तो वेजिटेरियन है. और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्टर्स का हमेशा ये होता है कि हम लोग सीजी करते हैं, बॉडी सीजी से बनती है, स्पेशल इफेक्ट से बनती है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज 24/7. क्या बात है, वाओ. ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बॉडी दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी खाए 24/7, अगर आप डिसिप्लिन रखे, तो हर कोई अपने ऑडियंस में जॉन अब्राहम जैसी बॉडी ला सकता है. क्या बात. अब कपिल की बारी. मैंने नीचे कुछ पहना नहीं हुआ. तो जॉन अब्राहम है. फर्क क्या है? नहीं, पर भाई ने बात बड़ी अच्छी करी कि जानवरों के ऊपर जो क्रूरिटी होती है. yes. मैंने अभी ना एक दो वीडियोस देखे, लोग खाली इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए एक ने किसी तो डॉग को शूट कर दिया. और फिर एक और घटना सुनी हमने साउथ में, शायद पता नहीं कहाँ पे. तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें. वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप. थैंक यू. और कपिल, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जॉन अब्राहम हो या कोई भी एक्टर हो, जब भी वो कोई बोलता है तो ठीक है, लोग सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कपिल जब भी बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं. सो कपिल. और मैं सोच रहा था कि जॉन भाई की हाइट इतनी है, बॉडी बॉडी अच्छी है, वेट पता नहीं कितना होगा. मैं आज आपका वेट चेक करना चाहता हूँ भाई. मशीन मंगवाएं, प्लीज मंगवाइए जरा. मशीन आ गई भाई, आइए जरा. दिव्या जी के साथ, मेरे साथ ही करना है. दिव्या जी का भी चेक करते हैं वेट जी. तो हेलो बोल रहे हैं. हेलो बोल रहे हैं. बस नमस्ते करके चढ़ जाइए. नमस्ते. हाउ मच? 84. 84 मेरे से भी कम. वाओ, मेरे को लग रहा हाइट ज्यादा, वजन भी ज्यादा होगा. ऑल्सो जॉन, अभी तू चढ़ेगा उसपे? नहीं, मैं चढ़ता हूँ एक बार. मैं आपका भी चेक करना है एक बार. नहीं, मैं नहीं आ रही. नहीं, मैं मशीन, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है आपके वेट में. वो मेरे को सिद्धू जी कह रहे हैं, तुझे पता नहीं मुझे कितनी भारी पड़ी है ये. तो मैं उस हिसाब से मैं अपना चेक. कितना है? Not bad. और नहीं है ऐसे ही, मतलब 95? कपड़े वड़े पहने ना इसलिए. कितने कितने? तो कहने कितने का मतलब ये है, कितना बता तो कितना. काफी है. मैं ये बोल रहा हूँ कि फिल्म में जॉन भाई बोल रहे ना कि 56 किलो का डॉला. हाँ. तो 56 किलो का तो डॉला ही हो गया भाई, बाकी की बॉडी का क्या हिसाब है? ऑडिट करना है हमें. आइए भाई बैठिए प्लीज. आपने नहीं चेक करना वेट? नहीं नहीं, मेरे को नहीं कराना. दिव्या जी, आपको पता है आज आप आ रही थी, हमने 20 लाइटें कम करवाई हैं. क्यों? क्योंकि आपका अपना ही ग्लो इतना है. तो मेरे को ये पूछना था, ये अच्छी डाइट से आता है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है वैसे ही ग्लो होता है? मुझे माफ करिए प्लीज. इसकी नजर ना सबके पैसों पर ही होती है. अक्षय आता है, उसके पैसों पर नजर, अब आपके पैसों नहीं पर तो नजर. फिर आपके चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं? आपके पास भी तो है. नहीं नहीं, कहां. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.